हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी तो यहाँ ये मैंने ना मोट अंकुरित करने के लिए रखे थे तो मैंने कल रात को गलाए थे इनको और सुबह ये कांच के इसी पॉट में ही मैंने गलाने के लिए रखा था और पानी उतना ही डाला था जितने में ये भीग जाए खाली और इसी कांच वाले पॉट में ही डाला था मैंने तो बस वो अंकुरित हो गए अब मैं रात को तो इनको छोंकूँगी नहीं इसलिए अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ ये लोग आ गए हैं ऑफ़िस से एक्चुअली आज का वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ तो भैया भी आ गए हैं आज साथ में इनके ये भीतमपुर गए थे बताया ही मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में तो यहाँ बन रही है चाय चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ क्योंकि भैया चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं और ये कॉफ़ी थोड़ा टाइम पास करने के हिसाब से ही पीते हैं तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने तीनों ने ही चाय कॉफ़ी पी है और अब मैं किचन में जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ और यहाँ मैंने कुछ ब्लिंकिट से सब्जियाँ ऑर्डर करी थी तो उनको मैंने एक बार निकाल के थोड़ा हवा निकलने के हिसाब से रख दिया और ये वो डब्बे कंटेनर हैं जो दीदी मेरे लिए रख के जाती हैं कि मैं इनको जगह पर रखूँगी जो बर्तन उनको समझ में आते हैं वो तो रख ही देती है और यहाँ ये प्याज़ टमाटर काट के ढक के रखा हुआ है और अभी जब मैंने चाय बनाई थी तो कुछ बात करने के लिए बाहर आई तो मेरे से ये चाय उफन गई तो वो एक स्टैंड दीदी ने धोने के लिए धो के रख दिया था तो मैंने आने के बाद फिर उसको लगाया सबसे पहले और अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और इस वाले ऑयल डिस्पेंसर से लगता ही है कि मैंने बहुत तेल डाला है बाकी इसमें से निकलता बहुत थोड़ा थोड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी देर उसको डालने के बाद भी वो तेल उसमें थोड़ा ही आता है क्वान्टिटी में तो मैं बना रही हूँ अभी आलू की सूखी सब्जी तो आलू की सूखी सब्जी में मैंने प्याज और टमाटर भी डाला है तो और कोई खटाई नहीं हम लोग अमचूर तो खाते ही नहीं हैं तो मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ तो ठीक है नहीं तो बिना खटाई की ही बना लेती हूँ मैं तो सबसे पहले वही बेसिक हींग जीरा डाल के और प्याज डाल दिया मैंने अब हल्का सा प्याज भुन जाएगा तो पहले नमक डाल देंगे हालांकि कोई विशेष रेसिपी नहीं है इसकी और उधर वो कढ़ी रखी हुई है सुबह की बची हुई क्योंकि ऐश्विक ने और मैंने ही खाया था खाना थो कम बनाई थी मैंने लेकिन अपन कितनी भी कम बनाओ थोड़ी तो ज़्यादा हो ही जाती है वो तो ये कढ़ी रखी हुई है तो मैंने सोचा कि सूखा ही कुछ बना लेती हूँ ताकि एक सूखा और एक गीला हो जाएगा खाने में लेकिन कड़ी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको पूरे खाने में वो अपन चार जनों को मतलब चार या पांच जने हो जाते हैं हम लोग शाम को खाने के लिए कई बार तो नहीं पुरेगी इस हिसाब से फिर मैंने बूंदी वाला रायता बनाया था कि थोड़ा रायता भी हो जाएगा साथ में तो फिर अच्छे से खाना हो जाएगा और रोटी भी मैंने अनु आंटी से सिखवा के नहीं रखी है क्योंकि इनको एक तो ऐसा रहता है कि गरम रोटी खानी है आजकल थोड़ा सा और दूसरा क्या हो जाता है कि पता नहीं रहता है कि कौन खाने वाला है कौन नहीं खाने वाला है क्योंकि पिछली रात को भी यही हुआ था पिछले दिन मतलब कल के दिन मेरे को लग रहा था कि भैया और अशोक दोनों आए हैं लेकिन दोनों ही नहीं आए खाना खाने के लिए तो वो रोटियाँ वेस्ट हो गई और आटा तो रहेगा तो ये ना कि मेरे को जितना खाना है तो फिर मजबूरी में ऐसे तो मैं रखना नहीं चाहती हूँ फ्रिज में लेकिन अगर बच गया है तो रोटी बना के रखने से बेटर है कि आटा रख दो ताकि उसको फिर अपन नेक्स्ट डे यूज़ कर लो तो इसलिए मैंने आटा आंटी से लगवा के रख लिया अनु दीदी से मतलब और मैं ही बनाऊंगी तो मैंने पूछा इनसे तो ये बोलते हैं आज वो मोटी रोटी बना लो साटे की रोटी बोलते हैं हालांकि मैंने एक दो बार और भी अपने वीडियो में शेयर करी है तो देखिए आप लोगों ने तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है मेरा टमाटर प्याज का और इसी समय मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी उसमें लाल मिर्च डालूँगी थोड़ी सी और नमक मैंने ये प्याज के लिए तो अलग से डाला था और ये नमक बाद में मैंने वो डाला है जो थोड़ा सा आलू के हिसाब से और टमाटर के हिसाब से है और सूखा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी फिर मैंने बाद में बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला था अच्छा एक मन ये भी हो रहा था मेरा कि मैं आज आलू के पराठे बना लूँ वो तो भुने हुए आलू के जो बनते हैं ना मतलब एक तो कच्चे आलू के बनते एक भुने हुए आलू के लेकिन फिर आटा थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही थी तो मैंने कहा अगर आलू के पराठे बने तो फिर वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा खाना इसलिए सब्जी तो अगर बच जाएगी तो अगले दिन भी काम में आ जाएगी और ऐसा ही हुआ था सब्जी बच गई थी तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी हमने वो बची हुई सब्जी खाई है दिन में और ये मेरा रायता बन तैयार हो गया मैंने किसी विस्कर वगैरह से नहीं फेंटा था दही थोड़ा तो सा चम्मच से ही फेंट के इसमें हमारे यहाँ बूंदी बहुत अच्छी आती है इंदौर में रायते की आप अगर कुछ ना भी डालो ना तो भी आपका सिर्फ दही फेंट के बूंदी डाल दो रायता बहुत अच्छा बनता है अब यहाँ मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी हालाँकि मेरे को रोटी बनानी है पर फिर भी एक बार थोड़ा सा सॉरी क्लीन हो जाएगा तो वो अच्छा हो जाता है तो बस अब गरम गरम रोटियां बनाऊंगी और का भी आया नहीं है वो गया हुआ है बाहर मतलब वो ऑफिस से ही कहीं चला गया था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वैसे भी रोटी बनी हुई रखी रहती है तब तो क्या कितने भी जने बैठो एक साथ थाली परोस ली जाती है लेकिन जब मैं बना रही होती हूँ रोटी तो एक या दो जने से ज़्यादा अपन नहीं खिला पाते ना एक साथ में तो ऐसा ही हुआ लेकिन फिर जैसे ही मैं बना रही थी मतलब शुरू किया मैंने बनाना उतने में ही अश्विक भी आ गया था तो बनते बनते सभी ने खा लिया था खाना और फिर अशोक तो आया भी नहीं था आज खाना खाने के लिए वही रहा ना मैंने बोला ना अगर बना के रख दो रोटियाँ तो फिर लगता है कि वो फिक रही हैं उसके साथ आया तो है इंदौर लेकिन उसके साथ एक भैया और आए हैं जिनको कि सुबह राजस्थान के लिए निकलना है तो इसलिए फिर वो लोग कहीं और ही खाना खाएंगे इसलिए फिर हम लोगों ने चारों ने ही खाना खाया और बस वीडियो में शाम शाम का है मेरा ये दोपहर से रात तक का रूटीन है और रोटी जो है वो ऐश्विक ने भी एक खाई इसमें से और ये देखो बाहर बैठे हुए हैं भैया और ये स्टैंड ही मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरा एक्चुअली क्या पुराना जो स्टैंड है ना वो ख़राब हो गया है मालूम नहीं कैसे वो काम ही नहीं कर रहा है पहले कहीं भी सेट करो तो इजीली हो जाता था अब मैं बोल रही हूँ एशविक को मेरे को ला के दे दे और उसको भी टाइम नहीं मिल रहा है वो भी क्या करे उसको मैं बोल तो देती हूँ वो बोल देता हाँ मम्मा ला देता हूँ इवन तो मेरा फ़ोन का चार्जर भी खराब हो गया वो भी मेरा नहीं आ पा रहा है तो वही अभी स्टैंड को कर रही थी ठीक तो बातें याद आ गई मेरे को और ये लोग बैठे हुए हैं बाहर गप्पे चल रही हैं और थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं कुकर में और इस तरीके से तवे पे जैसे रोटी मैंने डाली उस पर छेद छेद करा ना उससे क्या रहता है अंदर तक रोटी थोड़ी मोटी बनती है ना ये वाली तो उसको इस तरीके से करके बनाओ तो वो अच्छी सीख जाती है तो बस यहाँ पर हमारा आज का डिनर रहेगा सुबह की बची हुई कड़ी आलू की सूखी सब्जी बूंदी का रायता और थोड़ी सी हमारी चटनी भी कल की रखी हुई है तो वो चटनी तो आ जाइए आप लोग भी बस इन लोगों को खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी और इतना ही शेयर करूँगी आज के वीडियो में अपना और मेरे जो कॉपीराइट आया हुआ था मेरे चैनल पे वो मेरे हट गए हैं तो वो भी मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ ये रोटी शायद हम मारवाड़ियों में बनती है या पता नहीं सबके यहाँ बनती होगी ये इस तरीके से देखने में तो बड़ी अजीब सी मोटी सी लगती है लेकिन अच्छी लगती है खाने में ऐसा नहीं है कि और लगती है तो कहीं देख के ऐसा लगे कि इतना मोटा सा रोटा कैसे खाया जाता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है उसके बाद बस मैंने किचन का काम निपटाया और अपन तो क्या खाना खाते खाते इतना लेट late हो जाते हैं कि ये बस फिर इनकी थाली परोसी मैंने और भैया खा के अपना बैठे हुए उधर ही ये नीचे ही बैठ के खाना है इनने जो शुरू करा है ना तो ये नीचे ही बैठ के खा रहे हैं कुछ नहीं हो सकता इनका उपाय और ये टेबल पे रखे हुए हैं हमारे आलू अभी इनको भी मेरे को ठिकाने लगाना है ठिकाने क्या लगाना है इनकी जगह पे लगाना है मतलब काम ख़त्म नहीं होते हैं काम लगे ही रहते हैं लगे ही रहते हैं अपने को लगता है कि बस ये काम है और ये काम है जिसमें भी सुनने में आया था करा ही क्या था काम ही क्या था और यहाँ देखो अभी देखना शर्मा जी खाना खा के मस्त आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं और लेट जाएंगे सोफे पे यहीं पे तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय